Yo, Insta fam, I'm live again. I'm back again. Thank you, Instagram, that you're telling our Insta family ki Bilaspur magazine live hai. Aur dekho, mere haath mein mehndi. Hold on, we are telling more followers to join you. Yeah, yeah, come. We surely want you all to join us ताकि फिर हम आज के बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ जाएंगे लाइव. वी हैव वन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट फ्रॉम बॉलीवुड जो आज हमें ज्वाइन करेंगे, बिलासपुर मैगजीन को ज्वाइन करेंगे. जो चैट विद फिजा में आज वो स्पेशल गेस्ट है. सो लेट एवरीवन ज्वाइन एंड देन हम उनके साथ बातचीत स्टार्ट करेंगे. अब वो कौन है ये आपको तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि मैंने डिजिटल क्रिएटिव तो अपडेट कर ही दी थी. फिर भी एक ऑफिशियल इंटरव्यू बनता है, एक ऑफिशियल इंट्रोडक्शन बनता है, तो वो हम देंगे. पर पहले आप सभी आ तो जाइए. कम ऑन गाइज, आई वॉन्ट यू ऑल टू ज्वाइन. एंड ये मेहंदी दिख रही होगी आपको, ये दिस इज बिकॉज क्योंकि कल है ईद. एक रात पहले मेहंदी तो बनती है. ईद में मेहंदी नहीं लगाया तो क्या लगाया बॉस. So, here, अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे साथ कौन आज लाइव आने वाले हैं. वी हैव नन अदर देन द मोस्ट क्रिएटिव आर्टिस्ट फ्रॉम बॉलीवुड जिन्होंने 150 प्लस एड फिल्म्स की है, जिन्होंने बहुत सारी सुपर डुपर हिट मूवीज की है. और सिर्फ इंडिया पर ही इनकी मूवी नहीं, आउट ऑफ इंडिया पर भी इनकी मूवी रॉक करती है बॉस. और इन्हें वो सेंट्रल फ्रेश वाले एड में देखा होगा आपने, और दबंग मूवी पर भी आपने इन्हें देखा होगा. बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, गॉड टू सी ग्रेट हो में भी ये हैं. अब ये हैं कौन ये तो आपको बताया, बट एक ऑफिशियल इंटरव्यू, एक ऑफिशियल इंट्रोडक्शन बनता है. सो वी हैव राजकुमार कनौजिया जी टुडे, एंड अब मैं उन्हें अपने साथ ज्वाइन कराऊंगी. Hello sir, how are you? I'm fine, good Fiza, how are you? I'm also good. Fiza, सबसे पहले तो आपको और हमें देखने वाले तमाम चाहने वाले लोगों को मेरी ओर से तहे दिल से एडवांस में ईद मुबारक हो. आपको भी ईद मुबारक, चांद रात मुबारक. आज मतलब ईद का चांद ऐसा लगा कि मैंने बहुत सालों बाद देखा है, क्योंकि यूजुअली 2-3 साल से ईद का चांद नहीं दिख रहा था बिलासपुर में, पर इस बार ईद का चांद देखा है तो खुशी ईद के चांद देखकर ईद मनाने की दुगनी हो जाती है. क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. वेल सर, आपने तो अपने पूरे फैंस को, इंस्टाग्राम फैमिली को ईद आज वीडियो के थ्रू विश कर ही दी है, और आज हम लाइव भी चिट चैट विद फिजा में ईद के बारे में भी बात करेंगे. पर आई हार्टली वेलकम यू ऑन दी शो चिट चैट विद फिजा, बिलासपुर की पहली लाइव मैगजीन, डिजिटल मैगजीन बिलासपुर मैगजीन में आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगे. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी. वेल सर, सबसे पहला सवाल, ये घुंघरालू बाल आपके पहले से ही है, मतलब बाय बर्थ, या अभी कराया है फैशन के चक्कर में? नहीं, बाय बर्थ नहीं है ये, बाय कह सकते हैं, बाय डिफॉल्ट या लेजी, आउट ऑफ बिकॉज़ ऑफ लेजीनेस. मैं बचपन में जब तक ना समझता तब तक मम्मी बाल बनाती रही, सवारती रही, और फिर जब मैं समझदार हो गया तो लापरवाही करने लगा, और कभी कभी नहीं मैंने घुमाई बालों में तो बाल घूमने लगे. कई लोग इसे करवाते हैं, बकायदा कर ली, ये वो मेरा नेचुरल हो गया है, तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी. ओके, वेल सर, आपसे दूसरा सवाल फिजा का ये होने वाला है कि आप इतने खुश कैसे रह लेते हैं? मतलब देखिए, हर जगह इतनी नेगेटिविटी है, पर जब भी हम आपको देखते हैं, आइदर वी सी यू इन मूवी, आइदर वी सी यू इन इंस्टाग्राम और ट्विटर या फेसबुक, या फिर आपके वीडियोस देखते हैं यूट्यूब में, और कहीं भी देखते हैं तो एक पॉजिटिविटी दिखती है आप में, तो इतनी पॉजिटिविटी लाते कहां से हैं आप? फॉर द सिंपल रीजन, बिकॉज लाइफ इटसेल्फ इज अ मिरेकल, इट्स अ मैजिक. तो जब
हम जीता जाता खुद अपने आप में मैजिक है, तो हम मैजिशियन की तरह क्यों खुश नहीं है और लोगों को खुश रखे? सिंपल, और खुश इतना खुश रहो, इतनी खुशी बांटो कि कोई खुदकुशी का सोचे भी नहीं। क्या बात है, मतलब जिस तरीके से आपकी बातें हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कई लोग ये बातें सुनकर ही मोटिवेट हो जाते होंगे, और मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के इस लाइव सेशन के बाद मुझ में भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ जाएगी, क्योंकि क्या है कि मैं यूजुअली फूड ड्राइव्स वगैरह के लिए बाहर निकलती हूँ इस दौरान, तो काफी नेगेटिव माहौल हो गया है अभी। अभी तक हमारी सिटी बिलासपुर ग्रीन जोन में थी, बट अब ऑरेंज हो गई है एंड रेड जोन पर आने की कगार पर है, तो थोड़ा ज्यादा माहौल नेगेटिव होता नजर आ रहा है बिलासपुर में। सो आज जितने भी लोग देख रहे होंगे काफी मोटिवेट होने वाले हैं इस इंस्टा लाइव से। पर सर मुझे एक बात जाननी है कि जब ऐसा होता है कि आपको एक कैरेक्टर दिया जाता है, रोल दिया जाता है, सो जब आपका फर्स्ट कैरेक्टर था, जो फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट कैरेक्टर कैमरे के सामने आपको पता था कि ये मूवी बॉलीवुड में लॉन्च होने वाली है, सो वो जो फर्स्ट कैरेक्टर था, तब परफॉर्म करते टाइम जब आप शूट पे थे, क्या फीलिंग थी? मतलब एक्साइटमेंट वाली फीलिंग थी, नर्वसनेस थी, क्या थी? जी सबसे पहले तेरी फिल्म थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, शाहरुख खान थे, हीरो भी थे उसमें, जूही चावला थी। उस फिल्म में छोटा सा किरदार था लेकिन अहम किरदार था, और बहुत बटरफ्लाइज थे मेरे, मतलब पेट में काफी वृद्धि हो रही थी, और नर्वसनेस तो थी लेकिन साथ ही साथ एक्साइटमेंट भी थी कि चलो कुछ दिखाने का मौका मिला, और मैंने वो मौका देख करके चौका मारा भी, और उसका कोई शिकवा मलाल नहीं है, बहुत अच्छा रहा वो, बहुत अच्छे, क्योंकि मैं सकारात्मक, मैं बाय डिफॉल्ट आई एम वेरी पॉजिटिव, तो हर चीज की पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करता हूँ और पॉजिटिविटी हाथ लगती है। क्या बात है। वेल सर, जब ऐसा होता है कि मन में कई बार ये चीज आती है कि आप जब एक रोल परफॉर्म कर रहे होते हो, तो आपके अंदर रहता है कि आप अपना 100% दे पाएंगे या नहीं, आप कर पाएंगे या नहीं, कोई भी काम आप पहली बार करने जाते हैं, तो आपने वो चीज को कैसे अपने अंदर या सप्रेस किया बोलूं, या फिर उसको ओवरकम किया वो फीलिंग को, कि फर्स्ट टाइम आप कैमरे के सामने रहे होंगे और ये लग रहा होगा कि आप अपना 100% दे पाएंगे या नहीं? जी जैसे एज आई सेड अर्लियर कि नर्वसनेस तो होती है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि थिएटर मेरा काफी रहा है, मैंने थिएटर खूब इंटेंसिव थिएटर किया है, मैं रंगमंच में सक्रिय कई सालों से हूँ, 24 सालों से हूँ और अभी भी सक्रिय हूँ, और बड़े बड़े दिग्गज एमिनेंट थिएटर पर्सनैलिटीज के साथ काम किया है, जैसे कि मकरंद देश पांडे हुए और दिनेश ठाकुर हुए, और ऐसे अनगिनत लोगों के साथ मैंने काम किया है, और मैं उन खुश नसीब में से हूँ कि जो चार चार लैंग्वेज में मैंने रंगमंच में सक्रिय रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी। क्या बात है। क्योंकि मैं मुंबई से हूँ तो इसलिए मुझे लैंग्वेज सारी आती है, बहुत कम्फर्टेबल हूँ मैं बोलचाल में, लिखना पढ़ना बोलना, तो इसलिए वो एक्सपीरियंस जो अनुभव है वही दर्शाता है स्क्रीन के सामने, वही कॉन्फिडेंस आपको खुद ब खुद ले आता है। क्या बात है। वेल सर, जिस तरीके से अभी जो थिएटर, जिस तरीके से एक डाउनफॉल हुआ है थिएटर पे, आजकल लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या फिर जितने आर्टिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं ये भी सोचकर आजकल थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि हमें कोई देखने आएगा कि भी या नहीं, तो आप ये मुझे बताइए कि क्या चेंज दिखा, क्योंकि आप उस चीज को भी देखें जब लोग थिएटर के लिए क्रेजी होते थे, लाइक लोग वेट करते थे कि नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट सीजन कब लेकर आ रहे हैं आप लोग, और आज के डेट पे जो हालात है वो, उसमें क्या डिफरेंस लगता है और ऐसा क्यों हुआ, ये क्या रीजन हो सकता है? बहुत अच्छा, सबसे पहले तो मैं मतलब लिटरली मैं आपको शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और आपके माध्यम से इसका जवाब देने का मुझे अवसर मिल रहा है, लेकिन आपने जो भी पूछा उससे मैं सहमत नहीं हूँ, और सहमत इसलिए नहीं हूँ, पॉइंट रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरा मानना है जो भी सिनेरियो बदलता है, फिर चाहे वो थिएटर का हो, फिल्म का हो, सीरियल का हो, इसमें कहीं ना कहीं ऑडियंस का हाथ नहीं होता है, क्योंकि इसके कैरेक्टर हम होते हैं, यानी कि जो रंगकर्मी है या फिर जो एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, फिल्म मेकर्स, ये लोग कैप्टन को शिप रहते हैं, और इनमें इतनी कुवत होनी चाहिए, क्योंकि व्हाट आइडियाज जो है, व्हाट क्लिक्स, आइडियाज क्लिक्स जी, आइडिया क्लिक करते हैं,
तो आप सामने वाले को इतनी बेहतरीन परोसो, जैसे आप फूडी आप बोल रहे हो, तो अगर आप खाना इंटरेस्टिंग फाइव स्टार का खाना दो, वो यकीनन एंजॉय करेगा, बशर्ते आप क्या परोस रही है, किस तरह से परोस रही हो और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, किस तरह से आप लुभा रहे हैं लोगों को। अगर वो लुभाता है तो खाता है और हर कोई खाता है। सिंपल है, बिल्कुल आइडियाज क्लिक करता है। थिएटर में भी अगर, जैसे आपने कहा सिचुएशन माना कि अभी सही नहीं है, लेकिन अगर थिएटर में भी अगर कोई पैदा करता है और कोई आइडियाज क्लिक करता है कि नहीं ऐसा कुछ करे और कुछ अलग करे, तो कोई भी दूर दराज कहीं से भी देखने को आएगा। और बिकॉज आज भी चाहे मीडिया कितना भी क्यों ना हो हल्ला हो, लेकिन फिर भी माउथ पब्लिसिटी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्लिक करते हैं माउथ पब्लिसिटी से कहां पर कहां निकल जाएगा, तो सब बिल्कुल के ऊपर निर्भर करता है कि आइडियाज क्या देते हैं आप सामने वाले को। क्या, हाँ ये तो सही बात है कि आप जितना क्रिस्प परोसोगे लोग उतना ही उसको खाने को ललचाते हैं, आगे आते हैं। वेल सर, आपकी आपकी एक मूवी थी गॉड तुस्ती ग्रेट हो, जिसमें हमने देखा है आपका कैरेक्टर जो बहुत ही फनी था। तो सबसे पहले तो एक बात कि आप कोई भी एक कैरेक्टर को जब आप कैमरे के सामने होते हैं, जब आप परफॉर्म करते हैं, तब जब आप शूट करते हैं, तो कितने बार रिहर्सल करते हैं, मतलब वो वाली रिहर्सल के बारे में बताइए जो आप खुद अकेले में करते हैं, मिरर के सामने करते होंगे, ऐसा आर्टिस्ट एंड बॉलीवुड स्टार्स करते हैं कई, इवन मैं भी शो करने से पहले कई बार प्रैक्टिस करती हूँ। सो ऐसा कुछ हुआ है जो आपको यादगार हो आपकी लाइफ में और आपको खुद को खुद पर हंसी आई हो? सबसे पहले तो आज पहली बार मैं अपना सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ तुम्हारे माध्यम से। मैं कैसे प्रिपरेशन करता हूँ कैरेक्टर को लेकर के, जब मुझे कोई कैरेक्टर मिलता है और जैसे तुमने गॉड टू सीक्रेट होकर कहा, ऐसे कोई भी कैरेक्टर मैंने अब तक लगभग 45 के ऊपर फिल्में की है, तो जो भी फिल्मों का जब किरदार मुझे मिलता है तो सबसे पहले तो मैं उसे एक बच्चे की तरह पढ़ता, जैसे बच्चा एबीसीडी, और हर काम को मैं इस तरह से अप्रोच करता हूँ जैसे पहली मर्तबा मैं ये काम करने जा रहा हूँ और मुझे इस काम का कोई इल्म नहीं है। इस तरीके से मैं अप्रोच करता हूँ और ये सोच करके चलता हूँ कि ये पहली मर्तबा ये काम करने जा रहा हूँ और हो सकता है शायद ये आखिरी मर्तबा पे हो, तो इसलिए पूरी अपनी शिद्दत, इबादत, जुनून, जज्बा सब कुछ उसमें डाल देता हूँ पूरी तरह से। तो सबसे पहले मेरा पहला स्टेप होता है कि उसे मैं एकदम बच्चों की तरह पढ़ूं, उसे जस्ट करूं, चीजों को समझूं, शब्दों से रवा हूं। और जैसे ही मैं स्क्रिप्ट से रवा होता हूं, रवा होने के बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है, पहले बच्चे की तरह, फिर बच्चा बड़ा होता है, लड़कपन में आता है, लड़कपन में जब मैं आता हूं इसका मतलब कि मैं लाइनों से रवा हो गया, संवाद से रवा, संवाद से रवा होता हूं तो चरित्र को समझने की कोशिश करता हूं, क्या क्या चरित्र है, इसका बैकड्रॉप क्या होगा, इसका पृष्ठभूमि क्या है, उससे जब पूरी तरह से फेमिलियर हो जाता हूँ और फिर कैरेक्टर में अपना नुएंसेस डालता हूँ अपने छोटे बहुत, कि वो कैसे चलेगा, कैसे बोलेगा, उसके संवाद कैसे होंगे, अल्फाज कैसे फूटेंगे उसके लबों से, इम्प्रोवाइजेशन क्या कर सकता हूँ कैरेक्टर के साथ, तालमेल करता हूँ, कोऑर्डिनेशन क्या, मैंने कुछ ऐसा सोचा है, कुछ ऐसा करने का सोच रहा हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या आप ये हो, फिर दोनों के तालमेल से कुछ एक नया निकल के आता है, वही आपके सामने परोस देता है और वो इतना खूबसूरत होता है, इतना फनी होता है कि जब भी हम राजकुमार कनौजिया जी को देखते हैं तो वो एक स्माइल आती है फेस में, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहा जाता है कि लोग पैसे से हेल्प कर देते हैं, लोग अपने घर पर आसरा दे देते हैं, पर वो खुशी और वो मुस्कुराहट वही दे पाता है जो दिल का बड़ा होता है, और दिल का बड़ा होना ही आज की डेट में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऊपर वाला पैसों से सबको नवाजता है, बड़े दिल से बहुत कम लोगों को नवाजता है। एंड यू आर वन ऑफ दोस सर, सो वी आर वेरी लकी टू हैव यू। एंड सर, आपके साथ थोड़ा फन करते हैं, थोड़े गेम्स खेलते हैं, सो इट विल बी रैपिड फायर, आपको चूज करना है। सबसे पहले तो इफ यू गेट अ चांस टू वर्क विथ सलमान खान, आमिर खान एंड शाहरुख खान, तो आप किसे चूज करेंगे तीन खान में से? आमिर खान। Why? रीजन, सलमान के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, बिल्कुल जी, और किसी ग्रेट हो, दबंग टू, राधे आ रही है अभी मेरी, फिर बाद में दस कदम प्रोमो किया है, विल डिटर्जेंट किया, एस्टर पाइप किया, तो छह मरतबा काम कर चुका हूँ, शाहरुख के साथ तीन बार काम कर चुका हूँ, तो आमिर जी के साथ, लेकिन हालांकि मेरी दोस्त
जानता हूँ अच्छे से, गप्पे बहुत बढ़ाए हैं मैंने गप्पे के, लेकिन काम नहीं किया है, तो मैं चाहूंगा काम ओके करूँ। बाकी बात है उनकी भाई, उनके भाई जो आमिर खान के भाई है फैजल खान, जो मेला में दिखे थे, वो ऐसे ओके उनकी फिल्म आ रही है फैक्ट्री, इसमें मेन कॉमेडियन मैं, तो भाई के साथ कर गया। ओके बट आमिर सर के साथ आप करना चाहेंगे? यस आगे बढ़ते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा एंड आलिया भट्ट, तो इन तीनों में से किसके साथ काम करना चाहिए? आलिया भट्ट, आलिया भट्ट। व्हाई? बिकॉज नो बट लेकिन किंतु परंतु, शी इज द बेस्ट फॉर मी। सो आगे बढ़ते हैं। व्हेन इट कम्स टू जब आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, सपोज आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और आपको तीन रोल्स दिए जाते हैं, एक फीमेल का, एक ट्रांसजेंडर का एंड एक मेल का, तो आप किसे चूज करेंगे, किसे प्रायोरिटी देंगे? आपको क्या लगता है कि लोगों को किस रोल पर राजकुमार कनौजिया जी ज्यादा पसंद आएंगे? मैं फीमेल का करना चाहूंगा, क्योंकि नंबर वन मैं मेल में तो बहुत किरदार कर चुका हूँ, काफी सारे कैरेक्टर, और ट्रांसजेंडर भी मैं 3 मरतबा कर चुका हूँ फिल्मों में, तो मुझे फीमेल को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं बहुत क्योंकि जननी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं फीमेल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वे देव रिस्पेक्ट, वो जननी है, और आप सारे लोगों को मैं नमन करता हूँ सर। कमाल है, अद्भुत है आप लोग, आप नहीं तो कुछ नहीं, ये मैं मानता हूँ, और इसलिए मैं फीमेल किरदार को जीना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ विशेष तौर पर मेल को कि फीमेल क्या होती क्या बात है सर, बहुत कम लोगों की ऐसी सोच होती है, और अगर ऐसी सोच वाले इंडिया पर 90% मेल हो जाए ना, तो मैं ये लिखित दे सकती हूँ कि इंडिया में कोई रेप केस नहीं होगा। है। बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ तुमसे, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर, और आगे मेरा एक सवाल है कि गॉड तुस्सी ग्रेट हो जो मूवी आई थी, वो मूवी में जब गॉड आते हैं और बातचीत करते हैं जो भी जैसा भी होता है, तो आपके लिए, आपके जीवन में गॉड किस लिए ग्रेट है? आपकी लाइफ में आप किस लिए उन्हें ग्रेट मानते हैं? मेरे लिए गॉड इसलिए ग्रेट है क्योंकि वो कुछ भी नहीं देखता, जैसे सूरज नहीं देखता कि किस किस को रोशनी देना है, वो सबको समान रोशनी देता है, चांद नहीं देखता कि किस किस को हमें उजाला देना है, सितारे, ये सब, तो वैसे ही ईश्वर, ईश्वर ईश्वर से कितना कुछ सीखने को मिलता है। गॉड इज सिंपली ग्रेट, गॉड इज काइंड, गॉड इज एवरीथिंग एवरीवेयर अंडर, और कोई परिभाषा ही नहीं है ईश्वर की। ईश्वर अपने आप में समथिंग, सच में इसलिए बोलते हैं गॉड से ग्रेट हो। बिल्कुल। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए कि ऐसा होता है कि जब आप थिएटर आर्टिस्ट हैं और जब आपको पहला कॉल आया होगा बॉलीवुड से कि आपको ये कैरेक्टर करना है, तब ऐसे यू वर फ्लाइंग इन द एयर ऐसा वाली कोई फीलिंग आई, बहुत खुश हुए होंगे या पेट में तितलियां उड़ रही थी, ऐसा कुछ हुआ था? जी बिल्कुल सही था, मैं बहुत खुश था, इतना खुश था कि यार पहली मरतबा जो मैंने अब तक ऐसा रंगभूमि में मैंने योगदान दिया है, पहली बार मुझे बड़े पर्दे में काम करने का मौका मिलेगा, और वो भी सीधे बड़े पर्दे पर आया था, और सर वो भी बड़े स्टार, बड़े प्रोड्यूसर शाहरुख खान, तो बहुत खुश हुआ था। और मैं चूंकि मैं तब अकेला था, तब मोबाइल नहीं हुआ करता था, आंसरिंग फोन था, आंसरिंग फोन पे मैंने मैसेज आया था, ड्रीम्स अनलिमिटेड से हम बोल रहे हैं और आपको किधर के सोचा है तो प्लीज ऑफिस में आके मिलो। मैं लिटरली चिल्लाया था और रोया था, मैं ऑल आई वाज ऑल अलोन एट माय होम, और लिटरली रोया था, चिल्लाया था, और एकदम आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो खुशी तो होती है ओके हमने काम। क्या बात है। अच्छा सर एक बात मुझे आपसे ये जाननी है कि जब इंसान एक जगह से उठकर आगे आता है, बहुत ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं आप जैसे, जो बहुत नीचे से उठकर, जो बोलते हैं ना ग्रास रूट से उठकर लोग पेड़ बनते हैं, वो भी ऐसा पेड़ जो लाइफ टाइम फल देता है, कितनी मेहनत लगती है? बहुत ऐसा हमको इजी लगता है आप लोगों को पर्दे पे देखना या टीवी पे देखना कि हाँ भाई ये तो स्टार है, इन्हें तो पैसे मिलते होंगे, इनकी लाइफस्टाइल इतनी हाई प्रोफाइल है, पर वो जो आपकी मेहनत होती है उस प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए, आप लोग जो दिन रात शूट करते हैं, कई कई दिन नहीं सोते हैं, तो मुझे उसके बारे में जानना है, क्योंकि लोगों को ऐसा मिथ हो जाता है कि सेलेब्स बहुत आराम की लाइफ जीते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप अपने एक बार लाइफ के बारे में बताइए। सबसे मैं फिर से, मुझे तुम्हारा ये बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न तुम्हारा सच में,
और मुझे सबसे अच्छी बात यह कि पेड़ से तुमने कंपैरिजन किया, तुलना पेड़ से की, सच में बहुत अच्छी तुलना की आपने। मतलब ये जो बीज मैंने बोया था, जो सींचा था बीज, वो सच में मतलब मैं अपने आप को पेड़ रूपी मानता हूँ, और ऊपर वाले ने मुझे सींचा और जो भी कला दी मुझे कैला से नवाजा, और मैंने सींचा और आज पेड़ बड़ा हो रहा है और भी बड़ा होना बाकी है। अभी मैं एक ऐसा पेड़ हूँ जो थोड़े बहुत फल देने लगा है, लेकिन मुझे बरगद का पेड़ देना बनना है, इतना बड़ा बरगद का पेड़ बनना है कि अपने छाया में पूरे शहर को समेट लो। लेकिन मुझे एक और मेहनत तो बहुत लगती है, एक पेड़ के पीछे बहुत बहुत मेहनत लगती है, उसे पानी की तरफ, पहले उसे पानी की आवश्यकता होता है, वो डिपेंडेंट होता है, फिर जब पानी से थोड़ा बड़ा होता है तो डिपेंडेंसी छोड़ देता है और वो खुद का खुद नीचे पानी ढूंढता है, और वो नीचे ढूंढने का न किसी को पानी ढूंढता, लोगों को भी पानी देने लगता है, अगर आपको ये बात मालूम हो तो। हमारे रोज जाता है तो वो और पेड़ों को भी देता है, सप्लाई करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहावत सुना होगा कि पेड़ जितना फलों से लदा होता है उतना ही झुका होता है। बिल्कुल, तो भी कोशिश रहती है कि अब जबकि मैं थोड़ा बहुत फल देने लगा हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जमीन पर रहूं और जमीन से जुड़ा रहूं, क्योंकि इसी में धंसना है बाद में, इसी में जाना है, तो इसी जमीन पर रहना, फलों को सजो के रखना है, और अगर कोई फल जो डिसअप नहीं करता है वो भी अगर फल तोड़ता है तो मुझे शिकवा या मलाल भी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फल जितना फलों से लदा हो उतना ही छुपा होता है, तो इसके आगे एक लाइन मेरी ये है कि अक्सर ऐसा होता है कई लोग आते हैं जो फल को बिना चाहे पत्थर मारकर फल ले जाते हैं, लेकिन इसमें फल पेड़ रिएक्ट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि नित निरंतर नए फल उसे पता है कि मेरी क्षमता क्या है, उसे पता है कि मैं दोबारा फल दे सकता हूँ। तो ऐसी मुझे इससे मैं खुश रहता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई कोई पॉलिटिक्स खेलता है, ये फल यानी पॉलिटिक्स, अगर मेरे साथ कोई बैक टीचिंग करता है, तो आई कैन मेरा सिंपली मानना है कि फॉरगिविंग एंड मूव ऑन करते रहो, बस ये मेरा मानना है। और मूव ऑन क्या, और मुझे लगता है कि अब मुझे आपका ना वो हमेशा खुश रहने वाला जो सीक्रेट है ना वो पता चल रहा है कि आप नेगेटिविटी को बहुत दूर रखते हैं अपने आप से, आप चीजों से पॉजिटिविटी ज्यादा ग्रैस्प करते हैं। वेल सर, देखिए जिंदगी है, खट्टी मीठी तो होगी ही, और खट्टी मीठी नहीं हुई ना तो बेस्वाद डेफिनेटली हो जाएगी। तो आपकी लाइफ का एक सबसे मीठा पल और एक सबसे खट्टा पल? मीठा पल था स्टाइल फिल्म। स्टाइल मेरे लाइफ का एक मतलब एक ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा जहां से मेरी लाइफ टर्न हो गई। आज भी उस फिल्म से मेरी बहुत पहचान है। स्टाइल में मेरा सैफ कांडी का किरदार था और वो इतनी सुपर डुपर हिट हो गई थी फिल्म, मतलब कमाल की फिल्म हो गई थी कि मतलब मैं जहां तहां जाता हर जगह उसी से मेरी पहचान होती, आज भी उसी की वजह से पहचान हो रही है। तो वो टर्निंग पॉइंट रहा था, वो सबसे मीठा पल था मेरा, और मैं पल में जीने वाला आदमी हूँ। और अगर खट्टास की बात करते हैं तो खट्टा पल था, मुझे एक फिल्म थी अब तक छप्पन, तो वो रामकुमार वर्मा की, तो उसमें एक अहम किरदार मुझे मिला था। लेकिन जब रामू जी से मेरी मीटिंग हुई तो कभी कभी हम सामने वाला हमें कन्विंस नहीं कर पाता और हम अच्छे समझ नहीं पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो रोल मैं कर नहीं पाया, मेरे हाथों लगा नहीं रोल। और फिर जब फाइनली पिक्चर रिलीज मैंने फिल्म देखी और वो जिस कैरेक्टर ने किया, मैं नाम नहीं लूंगा क्या कैरेक्टर था, तो बहुत मलाल हुआ कि यार ये रोल मेरे हाथ से छूट गया। कोई नहीं, खट्टे मीठे पल आने जाते रहने चाहिए, क्योंकि जब तक खट्टे पल नहीं आएंगे ना जिंदगी में, मीठे पल की इम्पोर्टेंस उसका स्वाद नहीं पता चलता, तो ये चीज तो होती ही रहनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि लॉकडाउन चल रहा है और सब भी अभी घर पर है, और अभी का ये टाइम पर बहुत सारे लोगों ने वो जो पुराने दिन पर वो किया करते थे, बचपन की यादें बोल सकते हैं ताजा की, क्योंकि हम लाइफ में इतने बिजी हो गए थे कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे। तो आपने इस लॉकडाउन कभी झाड़ू पोछा बर्तन या घर पर कुछ हेल्प किया, कुकिंग की और कुछ ऐसा किया, डस्टिंग की, ऐसा कुछ किया? सबसे पहले तो ये बता दूं फिजा, लॉकडाउन पीरियड इज द बेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ सो फार। एग्जैक्टली सेम, समय मेरे लिए कभी नहीं आया, क्योंकि मैं समय का सदुपयोग करने वाला इंसान हूँ।
अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लो अब टाइम ही टाइम, अब ले लो टाइम, लेकिन टाइम करता है। और मेरा मानना है कि जो टाइम का नहीं, टाइम उसका नहीं। सही बात है। कुछ लाइफ में होता है तो ये मैंने सीखा। और दूसरी बात, रही बात आपके सवाल की, तो मैं बिल्कुल घर में पूरा योगदान देता हूँ। मैं वो काम सारे करता हूँ जो मैंने अब तक नहीं किया था, चुका था। और अभी तो सोने का सुहागा कि हमारी काम वाली बारियां भी नहीं आती है, तो खुद ही को करना पड़ता है सब कुछ। तो मैं सफर करता हूँ, हाथ बटाता हूँ काफी। इनफैक्ट अभी तो मेरी मम्मी की एज बहुत है, तो मैं सब्जी मैं खुद लाता हूँ घर से, और क्या जो है वो मैं ला रहा हूँ। और मैं शाकाहारी, पहले आई यूज्ड टू बी हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, और आई मतलब मैं सी फूड बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन चूंकि अभी ये समय ऐसा चल रहा है कोरोना COVID-19 की वजह से, मैं अभी शाकाहारी की तरफ ज्यादा रुझान रखता है, मुझे ज्यादा बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं खुद सब्जी लाता हूँ खुद, उसका एक अपना ही मजा है, जो पसंद है वो लाओ खाओ। और आम का सीजन है, आम के लुत्फ उठा रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ है कि अभी एक क्वेश्चन आया है आपके लिए सर, जिन्होंने, ऋषि जी ने ये पूछा है, हाउ मच राज कुमार कनौजिया जी लाइक्स डांसिंग बिसाइड एक्टिंग, मतलब डांसिंग कितनी पसंद है, एक्टिंग के बाद अगर कुछ पसंद है तो वो डांसिंग है क्या, वो ये पूछना चाह रहे हैं। ये सब कुछ, वो सब कुछ अच्छा लगता है जो कला से जुड़ा है। मुझे क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है मुझे म्यूजिक, और हर तरीके का डांस, हर तरीके का म्यूजिक, मेरा कुछ ऐसा पसंद नापसंद भी नहीं। डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, हर एक चीज, या क्रिएटिविटी, सिंगिंग, एवरीथिंग आई लाइक। ये गाना गाना बहुत सर, तो दो लाइनें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ईद है और ईद स्पेशल, दो लाइनें। गुफ्तगु बंद न हो, बात से बात बढ़े, जुस्तगु कम न हो, बात से बात बढ़े, आरज़ू कम न हो, बात से बात बढ़े, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, एक बात कि कभी जब आप अकेले होते होंगे, अकेले, और कोई एक ऐसा गाना होता है हमारे मन के करीब, जब हम अकेले होते हैं तो अक्सर वो गुनगुनाते हैं, तो आपके मन के करीब, आपके दिल के करीब ऐसा कौन सा गाना? इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास हम चले नेक रस्ते पे, लेकिन ये मुझे याद है हम लोग स्कूल पे प्रेयर के टाइम अक्सर ये सॉन्ग गाते थे और ये अच्छे से याद। और आपको बता दूं, ये गाना मेरा सबसे फेवरेट है, वाकई मुझे आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस जगाता है, दिलाता है। और खासियत ये है कि इस गाने से बहुत से लोग जुड़े हुए, मुझसे आज भी जुड़े हुए, एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। लाइक फॉर एग्जांपल, इसके डायरेक्टर एन चंद्रा, इन्होंने मेरी फिल्म डायरेक्ट की थी स्टाइल। जो डायरेक्टर है वो मेरे अच्छे दोस्त थे, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर है, उनको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, कुलदीप सिंह। तो इनसे जुड़े हुए बहुत लोगों को जानता हूँ मैं, इनके एक्टर्स नाना पाटेकर को अच्छे से जानता हूँ, तो काफी लोगों को जानता हूँ मैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा सर, आपकी कोई एक ऐसी हॉबी जो एक्टिंग के अलावा, मतलब आपको लगता है कि अगर एक्टिंग करियर नहीं होता तो इसमें आप करियर बना सकते थे? सबसे पहले तो मैं, वो मेरा मानना है, जो भी आपको करना है, जैसे मुझे एक्टिंग करना है, तो आई सिंपली आई हैव नॉट अ टेंडेंसी टू गिव अप, और आई सिंपली बिलीव नॉट टू कीप एनी अदर ऑप्शंस लेफ्ट। मैं कुछ भी ऑप्शन रखता हूँ, एक्टिंग मीन सिर्फ एक्टिंग, एक्टर के लिए ट्राई करो और एक्टर बनकर मर जाओ। क्या बात है, मतलब एक ही गोल, एक जब आपकी मैयत जा रही हो, चार लोग कंधा दे रहे हो, तो वो लोग बोले एक्टर मर गया, कंफ्यूज नहीं क्या बात है यार, एक्टर था, डायरेक्टर था, सिंगर था, क्या था, पेंटर था, क्या था,
कंफ्यूज नहीं करना हम लोगों बेचारों को। वेल सर, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल हमें बॉलीवुड से दो धक्के लगे, दो मेजर धक्के लगे, और आपने उन दोनों लेजेंड्स के साथ काम किया है, तो एक ऐसी मेमोरी दोनों के साथ जो आप हमसे शेयर करना चाहें, आप काम कर चुके हैं उस दौरान। सबसे पहले तो वो जहाँ कहीं भी ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इरफान खान को मैं बहुत पहले से जानता था, इरफान भाई मेरे अच्छे दोस्त भी पहले, और फिर हमने फिल्म हासिल फिल्म में साथ में काम किया। तो वो उनके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने आप में जीता जागता एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, और बहुत सीखा उनसे। और बहुत कम गुणी लोग ऐसे होते हैं जो न कि सिर्फ कला से धनवान होते हैं, बल्कि उनके अंदर एक कमाल की अद्भुत इंसानियत थी। बड़ा लवली ह्यूमन बीइंग, उनको मालूम था कि कैसे कैसे लोगों को साथ लेकर के चलना, और एक इंसानियत और मिसाल थे वो। इट वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड अबव ऑल ग्रेट एक्टर। तो उनसे वाकई बहुत कुछ सीखा है मैंने। और ऋषि बात करते हैं तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कपूर खानदान के मैं चार लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, करीना कपूर और संजना कपूर के साथ मैंने थिएटर, काफी खुश नसीब हूँ। और शशि कपूर जी के साथ मैंने विज्ञापन किया था हाल फिलहाल ही कप सेंड, तो उनको बहुत नजदीक से मुझे देखने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। वाकई न कि सिर्फ एक अच्छे इंसान थे बल्कि बहुत अच्छे कलाकार थे। और उनकी खासियत ये थी कि तकनीकी जो नॉलेज होता, टेक्निकल नो हाउ इतना अद्भुत था उनके अंदर कि यहाँ बैठे कैमरा में कौन सा लेंस लगा हुआ वो बता देते थे, और लाइटिंग का इतना अपार नॉलेज था लाइटिंग का कि बता देते थे कि यहाँ नेट लगना है, लाइटिंग कैसी क्या होनी चाहिए, वो इतना नॉलेज हमें नहीं है। और प्री डबिंग क्या होगा, पोस्ट डबिंग कैसा दिखेगा, इतना नॉलेज माइक को, सब ये सब अनुभव की देन होती है। तो ये इतना एक्सपीरियंस थे वो, तो अच्छा सीखा। और क्या बात है, लोग चले जाते हैं, यादें दिल में रह जाती हैं, और हमेशा उन यादों की वजह से वो हमारे अंदर, हमारे आसपास जिंदा रहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा फिजा, मैं तुमसे सहमत हूँ। और मुझे कितना अच्छा, मैं कितना सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि दोनों लेजेंड के साथ काम कर चुका हूँ। पहले मेरी फेवरेट एक्ट्रेस श्रीदेवी है, उनके साथ भी मैंने काम किया है, श्रीदेवी जी के साथ, और उनके साथ भी मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और ओमपुरी जी की आखिरी फिल्म हमारे साथ थी तो वो भी बहुत अच्छा जी, तो ओमपुरी जी सर, बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको सबसे हर तरीके के टैलेंट से मिलने मिलता है, और उनमें से एक है आप। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब ऊपर वाले ने आपको सच में बहुत कुछ बख्शा है, और सबसे ज्यादा एक अच्छी मुस्कान बख्शी है जो आप लोगों को बांटते हैं, शायद इसीलिए आपको हर चीज ऊपर वाला बख्श देता है। सर, आपके लिए क्वेश्चन आया है आकाश शर्मा की तरफ से, शायद उन्होंने बोला है, बाय द वे सर, लास्ट नाइट सर आई वॉच्ड योर स्टाइल मूवी, कल रात को उन्होंने आपकी स्टाइल मूवी देखी, एंड मेंटोस एड एंड मेनी मोर वीडियोस ऑफ यू, इट्स अ ग्रेट ग्रेट एक्टिंग डन बाय योर साइड। थैंक यू सो वेरी मच। सर, मुझे एक बात जाननी है कि जब आप लोग शूट पर होते हैं, कई बार ऐसा होता होगा कि फैमिली गेट टुगेदर्स हैं, या फिर फैमिली में बच्चे का बर्थडे है, वाइफ का बर्थडे है, पेरेंट्स के पास जाना है, तो ऐसे टाइम पर जब आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर शूट होता है, इम्पोर्टेंट होता है, तो उस टाइम कैसे मैनेज करते हैं, दिल को कैसे रोकते हैं? सबसे पहले तो मेरा मानना है, जैसे कि मैंने कहा था, जो टाइम का नहीं टाइम उसका नहीं, ये मेरा मानना है, मेरा अपना प्रयोग है। ऐसी मेरा एक और मानना है कि जो अपने काम का नहीं वो कोई काम का नहीं, किसी काम का नहीं, कर्म ही पूजा है। और कर्मठ व्यक्ति को अपने कर्म से ईमानदार होना चाहिए कि कर्म के आगे और पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब मेरा काम है तो मैं किसी के बारे में नहीं सोचता, किसी के बारे में नहीं, मेरा मेरे लिए काम सब कुछ है। फिर चाहे क्या बात है, मैंने वैकेशन का मैंने टिकट बुक करा दिया, फ्लाइट्स की, और मैंने टिकट कैंसिल कर दी थी मैंने शूटिंग के चलते। क्या बात है, पहले काम,
चलिए सर, आपने अपने लाइफ के बहुत सारे सीक्रेट्स हमें बताए हैं, बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन बोल सकती हूँ लोगों को मिला है यहाँ पर. मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना है कि यू हैव अ यूट्यूब चैनल जो मैं देख रही थी आपकी वीडियोस वगैरह, इतनी कंसिस्टेंसी कैसे, यस सो इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करते हैं, मतलब इतना बिजी शेड्यूल होता है आपका, आपकी एड शूट्स होते हैं, आपकी मूवी शूट्स होते हैं, दैट टू आप एक यूट्यूब चैनल भी मेंटेन कर पा रहे हैं, वो भी प्रॉपरली आपकी वीडियोस आती हैं उसमें. सो बाय द वे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, बाय द वे सिर्फ ये यूट्यूब नहीं, मैं टिकटॉक पे भी उतना सक्रिय हूँ और मेरे फैन फॉलोइंग बहुत भारी तादाद में हो रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और प्लीज मेरा टिकटॉक फॉलो कीजिए, आपके थ्रू मैं सबको कह रहा हूँ, राजकुमार का मुझे मैं फॉलो करती हूँ. तो उसमें मैं पूरा कोशिश करता हूँ अपनी वर्सिटिलिटी दिखाने की, अलग अलग कंटेंट देने की. तो मेरा मानना है, जैसे तुम्हारे सवाल का जवाब देते हुए कह रहा हूँ कि देखो टाइम सबके पास होता है, टाइम निकालने आना चाहिए और बहुत सारे 24 घंटे बहुत है, क्यों रोते हो आप लोग, इजीली टाइम निकाला जा सकता है. आप ये बताइए, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, शर्मा हो, वर्मा हो, हर कोई के पास समय होता है लेकिन लोग रोते हैं फिर भी, ये सब झूठ कहते हैं. सबके पास समय होता है, हम सबके पास समय होता है, सिंपल सी बात है. नेचर कॉल कितना भी हो लेकिन हम अटेंड करते हैं ना, जब नेचर कॉल आता है बिल्कुल अटेंड करते हैं, और अगर जुलाब हो जाए तो हम निकालते हैं समय, तब तो घड़ी घड़ी निकालते हैं. तो फिर हमें समय निकालने आना चाहिए, समय बहुत है हमारे पास. हमेशा ये आदमी झूठ बोलता है अपने से और लोगों से कि टाइम नहीं है, झूठ बोलता है. क्यों ऐसा नहीं, एक्चुअली वो प्रायोरिटी में नहीं रखता आपको. ये बात फ्रीडम मेरे लिए प्रायोरिटी है. अभी मुझे इंस्टा पे आना था, लाइव आना था, मैं अपने आप को पहले फ्री कर लिया, नहीं आज मेरी प्रायोरिटी पिज्जा है, इसलिए मैं आपके सामने हूँ. क्या बात है, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला और आज आप हमसे बातचीत करने चिटचैट विद फिजा के शो में बिलासपुर मैगजीन पर आए. वेल सर, आपसे एक सवाल आया है आकाश शर्मा की तरफ से कि आपकी अपकमिंग जो मूवीज हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताइए. जी, मेरी अभी टोटल 5 फिल्में रिलीज पर है, मैं रियली किस्मत का धनी कहूंगा. अच्छा, उससे पहले ये बता दूं कि लॉकडाउन में मेरी 3 फिल्में ऑनलाइन रिलीज हुई, डिजिटली स्ट्रीम कर रही है, यस. और एक है फ्लेम, एक है गॉड माय फ्रेंड गणेशा पार्ट 4, और एक है हाउ इज बॉर्न, और एमएक्स प्लेयर पर वेब सीरीज है मस्तरा, ये चल रहा है. और सबसे पहले कुली नंबर 1 जो कि डेविड की फिल्म है, वरुण धवन और सारा अली खान है उसमें. और फिर है राधे जो कि सलमान खान प्रोडक्शन के, सलमान भाई उसमें है, वो एक है. और फिर है मैं मुलायम सिंह यादव बायोपिक, वो एक है. और फिर है, अच्छा उसमें मेरा नेगेटिव रोल है. और फिर एक है फैक्ट्री जो मैंने कहा था, फैजल खान आमिर खान के भाई की फिल्म है, वो एक है. कुत्ते की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ब्रूनी, तो वो एक क्या बात है सर. तो हम लोग वेट करेंगे कि आपकी जो 5 मूवी आए वो 5 स्टार्स जैसे रॉक करे बॉलीवुड पर्दे पे, और हम बिल्कुल देखेंगे. और आपकी कुली की तो लोग एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि सर कुली कब आएगी. सो लॉकडाउन के बाद आई थिंक आने वाली है कुली, यस. सो लॉकडाउन के बाद हम आपको बड़े पर्दे पर देखेंगे, और हम बहुत खुश नसीब है कि लॉकडाउन के दौरान हम आपसे लाइव बात कर पा रहे हैं. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम. एंड मैं यही बोलूंगी कि सारी आने वाली मूवीज के लिए बिलासपुर वासियों की तरफ से, छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. और कल ईद है, ईद मुबारक, आपकी सभी दिली जायज तमन्नाएं पूरी हो इस ईद. और मैं चाहूंगी कि आप अपने सभी फैंस को एक बार मेरे साथ ईद की मुबारकबाद दें. मैं जैसे शुरुआत पर ही मैंने हालांकि ईद की बधाई दे दी थी, मैं फिर सबके सामने दोबारा फिजा के कहने पर, और फिजा सबसे पहले आपको फिर से और हमारे माध्यम से हमारे हमें देखने वालों को ईद की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं. और मैं सबके लिए एक ही ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, इंशाल्लाह कामयाबी खुद ब खुद
छटपटाए, आप सभी का कदम चूमने को बेकरार हो जाए, कामयाबी आपके हाथ लगे और फिर कभी न फिसले। आमीन आमीन सुमा आमीन। वेल सर, अभी मुझे आपके एक फैन से पता चला कि आप लिखते भी हैं, तो जब हम ये शो एंड करेंगे तो आपकी दो लाइनों से एंड करेंगे, पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके बहुत बड़े फैन जो हैं यहाँ पर आकाश शर्मा जी चाहते हैं कि एक बार उनका नाम लेकर आप उनको हाय बोल दीजिए। हाय आकाश शर्मा, हाय। आपकी दो लाइनों के साथ आज आपसे अलविदा लेंगे, हम आपको अलविदा कहेंगे। देखिए, तो अगर एक कहे तो एक कविता है मेरी, वो थोड़ी सी लंबी, वो कहूँ या फिर एक गाना है मेरा, या दो गाने, एक रैप सॉन्ग है जो मैंने खुद ने लिखा, रैप है, और एक नॉर्मल गाना है रोमांटिक। तो मैं क्या करूँ, कविता बोलूँ या हूँ रैप? मेरे ख्याल से अगर आपके अगर यंग क्राउड है तो रैप गा सकता हूँ मैं, रैप रैप, रैप। ठीक है, ये रैप सॉन्ग ऐसा है कि मुंबई कर में, मुंबई बीइंग अ मुंबई कर, यहाँ काफी लैंग्वेज हमें आती है बोलने को, बोलचाल में रहते हैं, तो सारे लैंग्वेज को मैंने एक साथ मिलाकर के सम्मिलित करके एक अनोखा रैप बनाया है। सुनिए इस तरह से। मधुबाला आपारा, मैं किस पक्ष और देखा, प्यासा संगम और कितने टूटेंगे मोहब्बत में, आई लव यू श्रीदेवी, तू है धड़कन हर दिल की, आमिर पूछा सलमान खान पे करोड़ लगा इनका यहाँ। क्या बात है, सुपर, सीरियसली सुपर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे कि हम आपसे कभी रूबरू हो, आप आए बिलासपुर या हम कभी मुंबई आए तो आपसे मिलने का हमें मौका मिले। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही मुस्कुराहट बांटते रहिए जिस तरीके से आप हमेशा बांटते हैं, एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू फॉर हैविंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आपके साथ एक सेल्फी लेते हैं फिर हम एंड करेंगे, मेरे पास यादगार होनी चाहिए कि मैंने आपका इंटरव्यू किया है। जी जी बिल्कुल, स्माइल, अरे यस, थैंक यू सो मच सर, टेक केयर, यू टू, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय, थैंक यू सर, आई विल, बाय बाय। Bye, take care. Yes, so he was one of the great personality from Bollywood. We had a talk with our superstar Rajkumar Kanojia ji. मैं कहूंगी कि मेरी लाइफ के ये पहले ऐसे स्टार हैं जिनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ है जो इतने पॉजिटिव हैं, बॉस, मतलब इतना मोटिवेशनल जो लोगों को करते हैं और जिस तरीके से वो लोगों को मोटिवेट करते हैं अपनी वीडियो से और जिस तरीके के मैं वो लोगों के लिए मुस्कुराहट बांटते हैं ना बॉस, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच राजकुमार कनौजिया जी आज हमें ज्वाइन करने के लिए, और बहुत सारे लोग आज उनके साथ बातचीत करे हैं, एंड थैंक यू सो मच गाइज आपके क्वेश्चंस के लिए। मैंने बहुत हद तक सभी के क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है और पूछा भी है सर से। वेल, यहाँ पर ईद मुबारक आपको भी आकाश शर्मा, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सभी को, ईद मुबारक, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड दिस इज आरजे फिजा साइनिंग ऑफ। लेकर आऊंगी एक नई पर्सनैलिटी को बहुत ही जल्द चिट चैट विद फिजा सीजन 1 में, ओनली यानी सिर्फ बिलासपुर मैगजीन पर, स्टे ट्यून्ड रहना है बॉस। और आरजे फिजा 919 को, बिलासपुर मैगजीन को फॉलो कीजिए ताकि आपको पता चले कि चिट चैट विद फिजा में नेक्स्ट सेलेब कौन होने वाले। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फॉलो करते रहिए। ईद मुबारक।